अड्डे के बिल्कुल साथ के बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग यहाँ पर लेंटर पड़ रहा है और हम आपको बताएं इसकी असलियत क्या है और सियासत कहाँ तक, नक्शा पास ना हो और बिल्डिंग सील हो और लेंटर पड़ रहा हो फिर आप क्या कहेंगे, किसका हाथ। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को ऑफिस से जांच आई है और सीएम के जो सचिव है वो संजय कुमार उन्होंने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मोती भाटिया कहते हैं कि वो बिल्डिंग उनकी नहीं है लेकिन अब सीएम ऑफिस से आए हैं जांच के आदेश, अब देखना है कि सच क्या है और झूठ क्या है। कुल मिला के हम आपको बता दें लाइव भारत और एनवायरमेंट एवं स्पेशल वेलफेयर सोसाइटी ने मिलकर यह किया था खुलासा और सबसे बड़ी बात कि सिद्धू के खास हम खास और सबसे बड़ी बात यह भी है कि निगम की तरफ से इनको चिट्ठी जारी होती है लेकिन चिट्ठी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती और मोती भाटिया रसूखदार बंदे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हाथ वाली सरकार में कैप्टन सरकार के हाथ के नीचे और कुल मिला के नीचे अगर बिल्डिंग में सील हो और ऊपर लेटर पड़ता हो तो कानून की धज्जियां कितनी उड़ रही हैं ये मैं नहीं जानता, दर्शक जानते हैं। फिलहाल यह मामला लाइव भारत ने जो किया था खुलासा 24 घंटे पहले पहुंच चुका है सीएम दरबार में और आ गया है जांच के आदेश। मेरे हाथों में ये चिट्ठी है जो साफ साफ उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं तो हम आपको दिखाएंगे और हम आपको बताते हैं कि लाइव भारत आता है सच और सच को मिलती है विजय। तो आप देख रहे थे स्पेशल लाइव भारत की खबर का इंपैक्ट, आप देख रहे हैं लाइव भारत, जय हिंद जय भारत। तो 24 घंटे पहले लाइव भारत और एनवायरमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर सोसाइटी और लोग वाइस के चेयरमैन जो हैं रुपिंदर कौर गिल ने किया था खुलासा, लाइव भारत से मिलकर किया था खुलासा लेकिन 24 घंटे बाद आ गया रिजल्ट और रिजल्ट आया है सीएम ऑफिस से और हमारे हाथ में जो आप दस्तावेज देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस पंजाब की दस्तावेज है। तो मैम सबसे पहले आपको आपने जो मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको बधाई हो, सीएम साहब से आपको सीधी लेटर आ गई है, अब लगता है कि जो कुछ राजनीति में जिनका हाथ है वो हाथ पीछे करेंगे या तो फिर अंदर जाएंगे जेल जाएंगे? बिल्कुल करेंगे जी, लगता ही है। सीएम साहब ने इंक्वायरी जो है वो लोकल बॉडी के चीफ सेक्रेटरी को मार्क कर दी है, उन्होंने कहा है कि लीगल तौर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करें, तो आस है कि सीएम साहब ने जब मार्क की है तो मतलब इसका रिजल्ट जो है डेफिनेटली। पर मैम 24 घंटे पहले मोती भाटिया ने कहा कि वो बिल्डिंग मेरी ही है ही नहीं, उसके कहने से क्या होगा, हम लोग नोटिस जारी मोती भाटिया के नाम से बिल्कुल नोटिस जारी है उसकी कॉपी हम लोगों ने आपको दी है, उसके कहने ना कहने का तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि अगर वो चेंज भी कर लेगा, मान लो वो नोटिस वगैरह किसी के साथ महकमे के साथ मिलकर चेंज भी कर लेगा तो वहाँ से रजिस्ट्री वगैरह कैसे कैंसिल करेगा? अच्छा मैम मान लीजिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस से पंजाब से मामला दब जाता है तो आप हाईकोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, वो तो मैंने पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि मतलब हम लोग अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो इसको काउंसलर को डिस्क्वालीफाइड करवाने के लिए हम लोग हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, इवन गवर्नमेंट को नोटिस देकर लोकल बॉडी में धरना भी लगाएंगे। तो कुल मिला के लोक वाइस के चेयरपर्सन रविंद्र कौर गिल इन्होंने कहा कि जिस तरह से काउंसलर मोती भाटिया जो जितेंद्र सिंह उर्फ मोती भाटिया की कंसलेशन यानी उनकी जो सदस्यता है जो उनकी सदस्यता है वो रद्द करने की पार्षद की सदस्यता रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल बड़ा कदम सीएम ऑफिस से आ गई है जांच के आदेश, अब देखने आगे होता है क्या। तो आप देख रहे थे लाइव भारत मनोज भगत के साथ सबर शुक्ला को, देखते रहे लाइव भारत, जय हिंद जय भारत।